इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मनिंदरजीत सिंह बिट्टा, जो कि एंटी टेररिज्म फ्रंट के चेयरमैन हैं और लंबे समय से वो इन शहीदों के परिवार वालों के पक्ष में आवाज उठाते रहे हैं। उन्होंने काफी काम किया है इनके लिए। सबसे पहली तो बात है कि जो आज गंगा देवी जी जो आज वहां पे गए, वो गए नहीं थे, उनको जबरदस्ती लेके जाया गया। और जब जबरदस्ती लेके चले गए और पार्लियामेंट के बाहर उनको एक घंटा कार में ही रखा गया जी, और जब चेकिंग करके अंदर ले जाया गया, फिर आधा घंटा उनको अंदर बिठाया गया, उसके बाद अंदर जाके खड़ा कर दिया साइड में। सब नेता श्रद्धांजलि दे रहे थे और गंगा देवी जी सब देख रहे थे तमाशा, कि किसी ने गंगा देवी जी को ना उनका दुख पूछा ना तकलीफ पूछा, और उनको गुस्सा ये आया कि मुझे क्यों बुलाया गया और बुला के दलील क्यों किया गया। ये सबसे बड़ी नाराजगी थी, अफजल को फांसी क्यों नहीं दी गई। के साथ काफी दिनों से कोशिश इनके लिए मैं कर रहा हूँ। मृतकों के आश्रितों को नहीं मिला न्याय। जवान ज्योति वो जगह जहां शहीदों को सम्मान दिया जाता है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए शहीदों के परिजन सुबह से ही यहां आ गए और याद आ गई जाबाजी की कई कहानियां। इनको देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन शायद सरकार को कोई परवाह नहीं। आज 11 पहुंचे, अगली बार 5 होंगे, उसके बाद कोई नहीं होगा। और समाज, देश, दुनिया, आप जैसे लोग, हम परिवारों के साथ यहाँ श्रद्धांजलि देते रहेंगे। हम पार्लियामेंट के अंदर उस वक्त श्रद्धांजलि देने जाएंगे जिस दिन अफजल को फांसी होगी। मंत्री तो कोई हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ देते जो अनिश बेटा देते हैं और इनके पति विक्रम विशिष्ट, जिन्होंने कैमरे को नहीं छोड़ा। उनको पता था तो मेरी पीछे पत्नी, उसने कहा नहीं, मैं अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। आज उसकी हालत क्या है, बच्चों को पढ़ाने के लिए उसको कितनी दिक्कत है, घर का खर्चा चलाने को कितनी दिक्कत है। तो सरकार कुछ समय के लिए इन परिवारों को याद करती है। जो कुर्बानियों का मजाक उड़ाया गया, वो मेडल इसलिए मिले थे, इन्होंने पूरे संविधान के मंदिर को बचाया, उपराष्ट्रपति जी को बचाया, 300 के करीब राजनीतिक लोगों को बचाया। आज वही राजनीतिक लोग इनके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। तो हमारे पास तो ये आखिरी रास्ता था, हमने ये रास्ता जो था, जो मेडल थे, जो सम्मान था, वो राष्ट्रपति जी को लौटा दिया है। हमने एक ही बात कही है, फांसी की सजा हो जाए मेडल वापस ले लेंगे, नहीं होती है तो इसको नेशनल म्यूजियम में रख दिया जाए। पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अभी हिंदुस्तान के एक स्टेट होम मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुन रहा था कि ये संविधान का अपमान। मैं उनको एक बात कह, को हद होती है, को लिमिट होती है। मैं टेररिस्ट विक्टिम बैठा हूं, ये टेररिस्ट विक्टिम बैठे हैं। जहां तो सरकार एक ऐलान कर दे, पॉलिटिकल पार्टियां एक ऐलान कर दे कि आपकी टेररिज्म के खिलाफ, आपके परिवारों की कुर्बानी के बारे में बोलना, अफजल के बारे में खिलाफ बोलना, उसकी फांसी के खिलाफ बोलना, सेंसर लगा दिया है। राजनीतिक गुलामी में आपको जीना पड़ेगा। एक गुलामी थी अंग्रेजों की, जो हमने 200 साल गुलाम रहे, एक अब राजनीतिक गुलामी में आ गए। अब ये सरकारों में रह के मंत्री बन के अब हम लोगों को, शहीद के परिवारों को धमकियां देंगे, या शहीद के परिवारों को धमकियां देंगे कि संविधान का उल्लंघन है, गोली मार दे, बम मार दे, हम खाने के लिए तैयार बैठे। ये भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, ये कोई भाषा अच्छी नहीं है ऐसे नेताओं के लिए। एक इनके परिवार के लोग मारे गए, एक हम बमों से खत्म हो गए, और दूसरी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते, इनको शर्म नहीं आती। मैं इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ, जो टीवी में आपका अभी मैंने सुना, नेता लोग क्या जाना, ये तो कुर्सी पे बैठकर हुक्म चलाते हैं, राजनीति करते हैं। सबसे बड़ा गुस्सा आता है, एक हम टेररिस्ट विक्टिम हैं, हमारे जख्म अल्ले हैं, उसके मरम लगाने की बजाय हमें ये संविधान की बातें सिखाते हैं। सरेआम टेररिस्टों की हेल्प हो रही है,
सरेआम अफजल की फांसी की सजा माफ हो रही है और गुलाम नबी आजाद इतने सीनियर लीडर हमारे हिंदुस्तान के, वो सरेआम कह रहे जिसने संविधान के मंदिर के ऊपर हमला किया इसको फांसी ना दी जाए, क्या वो संविधान का उल्लंघन नहीं है? मैं नेताओं को पूछना चाहता हूँ। मनिंदर सिंह जी, जो मेडल लौटाए गए हैं, आपको नहीं लगता पूरा मामला राजनीतिकरण हो गया है? हमें राजनीति से क्या लेना देना, राजनीति कोई कर रहा है करता रहे, हमारा परिवारों का राजनीति से साथ कोई संबंध नहीं। आप मुझे ये बताइए कब पॉलिटिकल परिवार जो है पॉलिटिकल किसी व्यक्ति के पास गए या पॉलिटिकल व्यक्ति इनके पास आया या उनके मंच पे गए? कई राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने मंच पे बुलाने की कोशिश की, इन्होंने कहा हम राजनीति नहीं करते, हम तो अपने पतियों का अपने बच्चों का सम्मान चाहते हैं, हम तो फांसी की सजा जो सुप्रीम कोर्ट की है हम तो वो कहते हैं कि फांसी की सजा होनी चाहिए कि परिवार के लोगों को, मैं भी एक इनका साथी एक टेररिस्ट विक्टिम हूँ, हमें इतना भी हक नहीं है? आज 13 दिसंबर है यानी कि आज संसद पर हमले की बरसी है, साथ ही उन शहीदों की भी 5वीं बरसी है जिन्होंने संसद को बचाते हुए अपनी जान दी थी। इस मौके पर आज देश के सभी बड़े नेताओं ने शहीदों की तस्वीर के सामने श्रद्धांजलि के फूल चढ़ाए। इन नेताओं में लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष के नेता लाल कृष्ण आडवाणी भी शामिल थे। ये और बात है कि देश के नेता शहीदों के परिवार वालों से किए गए वादे पूरी तरह से भूल चुके हैं। जिन सरकारों को, जिन पॉलिटिकल पार्टियों को, अलग अलग नेताओं के 300 नेताओं को बचाते हुए वो जवानों ने सीने पे गोलियां खा के कुर्बानी दे दी, वो मेडल बहादुरी के लेके हम क्या करेंगे? तो परिवारों ने फैसला कर दिया कि फांसी की सजा जब सुना देंगे मेडल वापस लौटा देना, नहीं सुनाते हैं तो हमने मेडल वापस कर दिए, मेमोरेंडम उनको दे दिया, हमने ये कह दिया कि जो मेडल हैं, जो कुर्बानियों के मिले हुए मेडल हैं, नेशनल म्यूजियम में रख दिए जाएं, ये परिवारों की मांग थी, नेशनल म्यूजियम में रख दिए जाएं। अगर अफजल की फांसी की सजा का फैसला सरकार जल्दी सुना देती है, फांसी हो जाती है, तो बेशक मेडल बाद में वापस कर दिए जाएं। पार्लियामेंट पर हुए हमले को आज 7 साल पूरे हो रहे हैं। इस मौके पर हमले में शहीद हुए लोगों को याद किया जाएगा, पर इस कार्यक्रम का शहीदों के परिजन बायकॉट करेंगे। वो कहते हैं कि हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को फांसी होने तक नेताओं को कोई हक नहीं है कि श्रद्धांजलि के बहाने शहीदों का मजाक उड़ाया जाए। हाथों में मशाल लिए ये परिवार उन शहीदों के हैं जिन्होंने पार्लियामेंट पर हुए हमले में अपनों को गंवाया है। 7 साल बीते पर आज तक मामले के मुख्य आरोपी को फांसी नहीं दी जा सकी। खफा परिवारों ने फैसला किया है कि इस बार वो पार्लियामेंट में होने वाले श्रद्धांजलि कार्यक्रम का बॉयकॉट करेंगे। बॉयकॉट हम बिल्कुल नहीं जाएंगे पार्लियामेंट में, हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि उस दिन होगी जिस दिन अफजल को फांसी लग जाएगी। इन परिवारों का कहना है कि वो किसी भी हाल में अपने परिवार के शहीद का मजाक नहीं उड़ाना चाहते। उन्होंने जंतर मंतर पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकाला जिसमें स्कूली बच्चों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। अफजल को जैसे एक देश के रोहित को यहाँ जेल में बैठाया जाया हुआ है, ठीक हो, तो ये बात थोड़ी है कि जो जैसे ये छोड़ दिया तो सबको छोड़ देगा तो कितना हिंदुस्तान में करवाद बदेगा। जब एक हमारी देश की पार्लियामेंट को उड़ाने के लिए चल रहे थे, हमारे नेता को उड़ाने के लिए चल रहे थे, तो आज वे नेता देखे हो रहे हैं। टाइम नहीं मिला, हम मेमोरेंडम राष्ट्रपति जी को पहुँचा देंगे कि हमारे जो मेडल हैं राष्ट्रपति के जो दिए हुए इन परिवारों को, वो मेडल नेशनल म्यूजियम में रख दिए जाएं ताकि आने वाली जनरेशन जब मेडलों को देखे तो ये पता चले कि किस तरीके से राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां सरकारें इन कुर्बानियों का मजाक उड़ाती हैं। बस परिवारों ने तय किया है कि वो शहीदों को खुद श्रद्धांजलि देने के लिए इंडिया गेट पर कैंडल लाइट मार्च करेंगे। वो नेताओं के घड़ियाली आंसुओं की कोई जरूरत महसूस नहीं करते। सवाल ये है कि क्या नेता भी उनकी जान बचाने वाले शहीदों के परिवार के जज्बे को समझ पाएंगे? पूनम शर्मा, दिल्ली आज तक।